मजीद मुल्क के हालात कैसे हैं? हालात तो बिल्कुल ठीक है हुजूर, लेकिन कुछ लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर आए। पेश करो। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर, मेरा नाम सुभान कुरैशी है। मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी कुछ मदद करें। क्यों नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। वजीर, इनको बैतुल माल में से 1,000 दिरहम दे दो। शुक्रिया हुजूर। वजीर, वो दिन में चिराग जलाकर कौन जा रहा है? हुजूर, वो बहलोल है। बड़ा बेवकूफ इंसान है, दिन में चिराग जलाकर रास्ता ढूंढ रहा है। जरा बुलाओ तो सही उसे। बहरोल, अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखो। बहलोल, दिन में चिराग जला क्या तलाश कर रहे हैं आप? क्या बताऊं, मुझे किस चीज की तलाश है? बोलो तो सही, ऐसी कौन सी चीज है, हो सकता है हम तुम्हें दे सके। हुजूर, वो चीज मिल ही नहीं रही है, आप क्या देंगे? नहीं, बोलो तो सही, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी सल्तनत में नहीं। अपनी जरूरत पेश करो। हुजूर, मैं इंसान तलाश कर रहा हूँ। इंसान? जी हुजूर, इंसान। तो क्या हमारी सल्तनत में इंसान नहीं? ये सब इंसान थोड़ी ना है, ये तो हैवान है, दरिंदे हैं, एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं। इंसान तो वो थे जो प्यासे मर गए, लेकिन दूसरों से पहला पानी पीना गवारा नहीं किया। इंसान तो वो थे जो खुद भूखे रहते, लेकिन मेहमानों को खाना खिलाया करते थे। इंसान तो वो थे जिनके खुद के बच्चे भूखे रहते, लेकिन पड़ोसियों के बच्चों को भूखा नहीं देख सकते थे। इंसान तो वो थे जो बादशाह वक्त होकर भी पेबंद लगे हुए कपड़े पहनते थे। बहलोल, तुम भी कभी कभी बड़े पते की बात करते हो। वजीर, इनको कुछ तोहफा दे दो। ये लो, इसमें कुछ दिरहम और दिनार। हम फकीरों को दिरहम और दिनार का क्या काम, रखो इसे किसी गरीब को दे देना। अच्छा हुजूर, चलने की इजाजत दें। बहलोल, यहाँ आओ। जी हुजूर। ये लकड़ी लो, अगर तुम्हें तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई लगे तो ये उसे दे देना मेरी तरफ से। जी हुजूर, मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगा, अगर कोई मिलेगा तो उसे जरूर दूंगा। ठीक है बहलोल, कभी कभी ज्यादा का मौका देते रहना। अच्छा, चलता हूँ। आज मेरी तबीयत खराब लग रही है,
दरवाजों से कह दो कि आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा। ठीक है। बहलोल आए और आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, बहलोल का आने की इजाजत है। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखे। क्या हाल है हुजूर? क्या बताऊं, बड़ा लंबा सफर दरपेश है। कहाँ का सफर? कौन सा सफर? अमीरुल मोमिनीन आखिरत का सफर। अच्छा, तो आपने वहाँ पर कितने लश्कर भिजवाए हैं और कितने खेमे लगवाए हैं और कितने खादिमों को रखा है? बहलोल, वो ऐसा सफर है जहाँ पे कोई लश्कर नहीं जा सकता, जहाँ पे कोई खादिम नहीं जा सकता, जहाँ पे कोई खेमा नहीं लगा सकता, वो ऐसा सफर है। अच्छा, तो वापस कब आएंगे? बहलोल, तुमने फिर से ऐसी बातें शुरू कर दी। वो ऐसा सफर है जहाँ पे कोई पहले जा नहीं सकता, वो वापस कोई आ नहीं सकता। अच्छा, तो वो ऐसा सफर है जहाँ से कोई पहले से जा भी नहीं सकता और कोई वापस भी नहीं आ सकता। हाँ बहलोल, वो ऐसा ही सफर है। फिर तो आपकी एक अमानत मेरे पास बहुत वक्त से रखी है जो आपने मुझे यह कहकर दी थी कि आपसे बड़े बेवकूफ को दे देना। आज मुझे इस लकड़ी का मुस्तहिक आपसे ज्यादा कोई नजर नहीं आया। इस वजह से कि आपका छोटा सा भी सफर होता तो आप वहाँ पर बहुत से लश्कर भिजवाते, बहुत से खेमे लगवाते और बहुत से खादिमों को रखते जो आपके लिए रास्ता तैयार करते। लेकिन आपका इतना बड़ा सफर हो के आपकी कोई तैयारी नहीं है और जहाँ से आपको वापस भी नहीं आना, तो मुझे आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नजर नहीं आना। आपकी लकड़ी आपको रखें इसे। बहलोल, हम तो तुम्हें बेवकूफ दीवाना समझा करते थे, मगर तुम ज्यादा हकीम और अकलमंद कोई नहीं। हम तो वाकई में बहुत बड़ी भूल कर बैठे। अगर हम ये सकता ना तब तो ताज के चक्कर में ना पड़ते, तो आज हम भी तुम्हारी तरह आखिरत की तैयारी करते और अल्लाह ताला को खुशनुरी में अपनी जिंदगी बसर करते। आपसे बस एक ही दरख्वास्त है, आप मेरे लिए दुआ करें और अल्लाह ताला अपनी रजा नसीब फरमाए। जी हुजूर, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अच्छा हुजूर, चलने की इजाजत दे। ठीक है। हम दुनिया में तो आते हैं पर आखिरत की कोई तैयारी नहीं करते, जबकि हमें मालूम है कि आखिरत में सबके सवाल जवाब होंगे। अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए।